नमस्ते, मेरा नाम के वेंकटेश है। मैं आज आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने और ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफलाइन में अवेलेबल होगा आपको, और ये सॉफ्टवेयर मैंने एमएस एक्सेल में बनाया हुआ है। ये वह सॉफ्टवेयर है। इसको ओपन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा, और ऑन मैनेजमेंट को एक यूज़र नेम पासवर्ड होगा, और ऑपरेटर को एक यूज़र नेम पासवर्ड मैनेजमेंट के द्वारा सेट करवाना होगा आपको। ओके वो किस तरह से ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो सिस्टम है ज़रा स्लो है, इस वजह से धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ओके, यह है लॉगिन विंडो, बराबर। यहाँ पर अगर मैंने अपना खुद का पासवर्ड टाइप करूँगा तो यहाँ पर मेरे को रोल कौन सा आएगा, देखिएगा, एडमिन का रोल है। एडमिन बोले तो ओनर। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा एक यूजर नेम और पासवर्ड मैंने टाइप किया, अगर मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ, गलत टाइप करता हूँ, तो देखो क्या करेगा। यूजर नॉट डिफाइंड, एंटर्ड पासवर्ड, यूजर नेम इनकरेक्ट। अगर करेक्ट टाइप किया तो यूजर का, बोले तो ऑपरेटर का रोल आ गया। और एक रोल रहता है जिसके द्वारा आप नए यूजर को ऐड कर सकते हैं, प्लस आपका जो फी स्ट्रक्चर रहता है ना वो भी आप सेट कर पाओगे। तो क्या पता चला, इस ओनर को दो तरह के रोल्स रहेंगे। एक एडमिन का रोल रहेगा और ऐड यूजर का रोल रहेगा। एडमिन के रोल में वो क्या बोलते हैं, सारे मॉड्यूल्स जो सारे फीचर्स है वो देख पाएंगे। बोले तो उनका बिजनेस कितना हुआ, कितना बैलेंस आना है, कितना पे हुआ अब तक, और कितना कमिटेड फीस था, वो सब कुछ देख पाएंगे। और दूसरा रोल ऐड यूजर का रोल। ऐड यूजर के रोल में क्या है कि नए बंदे को, नए ऑपरेटर को अगर यूजर नेम पासवर्ड देना चाहते हैं तो इस यूजर नेम पासवर्ड से उनको जो इस यूजर नेम पासवर्ड से ये सॉफ्टवेयर ओपन करके दे सकते हैं। प्लस जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर भी इसी एड यूजर रोल से वो सेट कर पाएंगे। बताता हूँ मैं आपको, सबमिट कीजिए। यहाँ पर देखिए, एड न्यू यूजर, बराबर। अगर हम एक नए बंदे को यूज ऐड करते, देखो राहुल, ओके राहुल एट द रेट 7 8 9 7 8 9, ओके। और इनका रोल क्या रहेगा, यूजर बोले तो ऑपरेटर, ओके। सबमिट पर क्लिक करो। सबमिट पर क्लिक करने पर कंपलसरी यहाँ पर एक पासवर्ड हो, हाँ, सेट किया है वो टाइप करना होगा, ओके। क्योंकि हर कोई अननेसेसरी क्या बोलते हैं, अनऑथराइज पर्सन इसको यूज ना कर पाए, ओके। राहुल को ऐड कर दिया। इस तरह से नए बंदे को, नए ऑपरेटर को, और नए एडमिन भी अगर ओनर ऐड करना चाहता है तो भी ऐड कर सकता है। और दूसरा रोल कौन सा काम, दूसरा फीचर इनके लिए कौन सा अवेलेबल रहेगा, फी मास्टर का रोल। फी मास्टर का फीचर अवेलेबल रहेगा। ये जो फी मास्टर सेट किया हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने अपनी ओर से सेट किया, आप अपनी ओर से सेट कर सकते हैं, लेकिन जो ये ग्रुप और क्लास, एक बार सेट करने के बाद इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये बस रूट भी, अगर बस रूट है अवेलेबल है तो बस रूट भी एक बार सेट करने के बाद, जो नेम डिफाइन किया होगा ना, वो नेम डिफाइन करने के बाद, एक बार करने के बाद उसको बार बार चेंज नहीं करना है, बराबर। बाकी सब आप फीस कभी भी चेंज कर सकते हैं, ओके राइट। इस तरह से, और ये जो स्ट्रक्चर भी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक पासवर्ड कंपलसरी टाइप करना होगा। विदाउट दैट पासवर्ड यू कांट ओपन, यू कांट एडिट दिस फी मास्टर, ओके अंडरस्टूड राइट। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्लिक मी टू एडिट करने पर क्या है, पासवर्ड पूछ रहा है मुझे, बराबर। वो पासवर्ड यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, समझो, तब जाके ये दो ये ओपन हो जाएगा। पासवर्ड में भूल गया फिलहाल, ओके समझ तो गए ना, राइट। और आगे बढ़ेंगे, इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने पर सेव डोंट सेव पूछा, समझो, प्रिफर सेव, क्लिक ऑन सेव। अब क्या करेंगे, एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड से
इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपको फी एडमिशन मॉड्यूल और फी मॉड्यूल, ये दो मॉड्यूल आपको मिलेंगे। एडमिट के मॉड्यूल, एडमिट के यूजर नेम पासवर्ड से ओपन करना, ये जो डैशबोर्ड है, ये यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करने के बाद, सबमिट करने के बाद जो डैशबोर्ड ओपन होता है ना, यहाँ पर आपको एक क्लिक मी फर्स्ट करके है, इस पर एक बार क्लिक करके रख दीजिए और क्लोज करने के टाइम पर भी इस पर क्लोज करके बंद कर दीजिए। ओके राइट, आपको सभी मॉड्यूल आप समझाता हूँ। ओके यहाँ पर एडमिशन फॉर्म देखिए, ये एडमिशन फॉर्म है दी भारत हाई स्कूल और एडमिशन नंबर, ये एडमिशन नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। एडमिशन डेट, एडमिशन क्लास, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा नर्सरी से लेकर टेंथ क्लास तक का, और ग्रुप, ग्रुप रेगुलर ग्रुप और आईआईटी ग्रुप रखा हुआ है। अगर और कुछ ग्रुप आप चेंज ऐड करना चाहते कर सकते हैं, और सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, इस तरह से तीन सेक्शन रखे हुए हैं फिलहाल, और ये बाय डिफॉल्ट इन सेक्शन, जब इन स्कूल आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो इन स्कूल में आप बच्चे के बच्चे को ले लेंगे, बराबर। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम और ड्रॉप डाउन आपको कहाँ 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 मिलेगा, ये जेंडर पर मिलेगा और रिलीजियन पर मिलेगा, कैस्ट पर मिलेगा, ओके, ओसी, बीसी, एसटी, एसटी, जन रिलीजियन पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एट्सेट्रा, ओके। और आपको डे स्कॉलर, हॉस्टल, अगर आपके पास हॉस्टल है तो हॉस्टल फैसिलिटी भी रखिएगा, ओके। ट्रांसपोर्ट, यस और नो, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड और नॉट, ओके। बस रूट, बस रूट भी देखिएगा, यहाँ पर R1 से लेकर R4 तक का बस रूट रखा हुआ है। इसके लिए इसका जो फीस रहता है अलग अलग रहता है, आपने जो सेट किया हो वी मास्टर में सेट किया होगा होगा ना, वही या इसके इसके मुताबिक यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पर आ जाएगा। और हॉस्टल फीस, अगर हॉस्टल अवेल किया तो हॉस्टल के मुताबिक हॉस्टल फीस, जो भी पर्सनल डिपॉजिट, पॉकेट मनी, बाकी सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। और डेटा एडिट, एडिट स्टूडेंट डेटा, कभी कभी क्या है कि हम स्टूडेंट का डिटेल ये एडमिशन फॉर्म में फिल करने के बाद, कभी कभी क्या है कि आधार नंबर गलत गलत टाइप करना, या गलत टाइप हो गया होगा, या फिर क्या बोलते हैं, एड्रेस कुछ चेंज हुआ है समझो बच्चों का, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हुआ समझो, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, बच्चे का डिटेल्स चेंज करना होगा, एडिट करना होगा। ये एडिट है, एडिट ऑप्शन, यहाँ पर बच्चे का एडमिशन नंबर डालो, देखो यहाँ पर आ गया ना। इसमें अगर आप बाय बाय मिस्टेक मेल के जगह फीमेल डाल दिया समझो, उसको कंपलसरी चेंज करना होगा ना, तो कर सकते हैं आप। और क्या बोलते हैं, फोन नंबर भी अगर चेंज करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर सेकंड अगर अवेलेबल है फिर वो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं, बराबर। ओके, ये जस्ट यहाँ पर क्लिक करो, दूसरा एक विंडो ओपन हो जाएगा, वही विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चेंज करने के बाद इस बटन पर क्लिक किया समझो, जैसे अभी एक आपको बताता हूँ, मैं वन बाय वन बताता हूँ कि ना, फिलहाल जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हो पूरे बताता हूँ। और एडमिशन रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट, ये आपको रिपोर्ट आएगा पूरा ए टू जेड डिटेल्ड रिपोर्ट आएगा यहाँ पर, ओके। ये क्राइटेरिया के हिसाब से सर्च कर सकते, जैसे एडमिशन नंबर या फिर फ्रॉम डेट से टू डेट तक का कितना एडमिशन हुआ, कितने बच्चे एडमिट हुए, 01/01/2020 से लेकर आज तक कितने बच्चे अपने स्कूल में एडमिशन लिए है। जैसे रिपोर्ट टू पर क्लिक कर दीजिए, देखो यहाँ पर आ गया ना, इस तरह का पूरा ए टू जेड का डिटेल पूरा आ जाता है, बराबर। ओके राइट, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करो तो बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। देखो फिलहाल एक डमी फोटो रखा हुआ है, ओके ना, इस तरह से फोटो भी देख सकते हैं आप, राइट। और इसके अलावा क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट, कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट है, ओके, वो भी देख सकते हैं आप। नाइन्थ क्लास ग्रुप चेंज, ग्रुप वो सिलेक्ट करने को बोल रहा है, रेगुलर ग्रुप। अब फिलहाल
नाइन्थ क्लास में एक ही बच्चा है बराबर, रमेश कुमार करके। और अगर ये नाइन्थ क्लास में 100 बच्चे, समझो 100 बच्चों में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, डे स्कॉलर कितने हैं, हॉस्टल कितने हैं, ट्रांसपोर्ट कितने कितने लोगों ने अवेल किया है, वो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके राइट। और आईडी कार्ड का भी मैंने एक फैसिलिटी रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जस्ट एडमिशन नंबर विदाउट एनी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर, TBHS डैश प्रीफिक्स है ना, वो प्रीफिक्स के अलावा विदाउट प्रीफिक्स आपको यहाँ पर टाइप करना, जस्ट नंबर टाइप करना है। उसके उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बच्चे का फोटो के साथ पूरा आपको आईडी कार्ड भी आ जाएगा, और आईडी कार्ड आपको बार कोड में भी जनरेट होगा, बार कोड भी जनरेट होगा। देखो एडमिशन नंबर का बार कोड भी जनरेट होगा। कहीं कहीं स्कूलों में क्या है कि आईडी कार्ड जस्ट स्कैन करके अटेंडेंस लेते हैं ना, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ये एक्स्ट्रा फीचर है, अगर ये फीचर आपको चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं यूज कर सकते। ओके। और फी मास्टर देखिए, फी रिसिप्ट में यहाँ पर अगर एक मिनट हो, जस्ट यहाँ पर एडमिशन नंबर डाला तो उन्होंने अभी तक कितना पे, टिल पेड बिफोर दिस रिसिप्ट, कितना पे किया अभी ये रिसिप्ट के आगे कितना उन्होंने पे किया था, इससे पहले कितना पे किया था और कितना बैलेंस है, देखो यहाँ पर आ जाता। और साइड में आपको ये जो 21,500 रुपीज जो इस स्टूडेंट ने पे किया ना, इस स्टूडेंट ने वो 21,500 रुपीज किस किस रिसिप्ट से पे किया और किस किस के लिए पे किया था, यहाँ पर भी आ जाते हैं। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है साइड में। कभी कभी क्या है कि पेरेंट्स पूछते हैं ना, अरे मैंने एक 25,000 पे किया था, 25,000 मैंने इस रिसिप्ट में उस रिसिप्ट में पे किया था, बोलते हैं ना, तब जाके आप उनको ये प्रूफ बता सकते हैं आपने 21,500 ही पे किया है और इस रिसिप्ट से और इस दिन पर आपने पे किया था और इस फी स्ट्रक्चर के लिए पे किया था, आप यहाँ पर बता सकते हैं। और इसको आप प्रिंट भी देख सकते हैं, A5 साइज पेपर में आपको प्रिंट भी आएगा बराबर, समरी आ जाएगा। ओके राइट। और दूसरा फी रिपोर्ट वन में आपको पूरे ये जो क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ भी सर्च कर सकते हैं बराबर, ये वो नहीं है। और ये रिसिप्ट डेट के हिसाब से फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट तक का भी सर्च कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्यूशन फी कितना पे कलेक्ट हुआ वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ज्यादातर अपने को क्या जरूरत रहती है, फी रिपोर्ट टू में पेंडिंग पेंडिंग कितना है, क्लियर कितना है, कितना कितने बच्चों ने किया। जैसे अभी यहाँ पर पेंडिंग करके सर्च करता हूँ तो क्या आ रहा है, देखो देखो जो रेड कलर का है ना, उन सभी बच्चों का पेंडिंग है बराबर। और यहाँ पर आपको टोटल समरी भी आ जाता है, देखो इतना कमिटेड है, इतना पे किया और 27,000 और आना है बराबर, टोटली 39,000 आना है। और दूसरा क्या है कि हम सब कभी कभी अपने टीचरों को या फिर अपने क्लरिकल स्टाफ को एक लिस्ट पकड़ा देते, ये क्लास में इतनी इतनी पेंडिंग है करके। वो लिस्ट कैसे जनरेट करना, यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं आप बराबर। जैसे अभी नाइन्थ सिक्स क्लास का एक लिस्ट, सिक्स क्लास सर्च वन, सर्च पर क्लिक करो, सिक्स क्लास के बच्चों का सारा जो पेंडिंग डिटेल है ना, पेंडिंग स्टूडेंट, उनका पूरा यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। देखो हाँ, बैलेंस फी एज ऑन टुडे एज ऑन डेट, यहाँ पर अगर 100 बच्चों का लिस्ट पूरा यहाँ पर आ जाएगा। इसके हिसाब से सिक्स क्लास का एक लिस्ट, जो सिक्स क्लास का जैसे अभी सिक्स क्लास ए सेक्शन, समझो ए सेक्शन का एक लिस्ट जनरेट कर दो, प्रिंट दे दो और क्लरिकल स्टाफ को रख दो, उनको बच्चों को इन्फॉर्म करना या फिर पेरेंट्स पेरेंट्स से बात करना, ये सब चलते रहेगा ना, यही एक्टिविटी रहती है ना क्लरिकल डिपार्टमेंट की बराबर। ये लिस्ट आप A4 साइज में भी आपको प्रिंट आ जाएगा, A4 साइज में लैंडस्केप में प्रिंट आ जाएगा, आप प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट देकर फॉलोअप करना है बराबर। यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं, कांटेक्ट नंबर नहीं रखा है ना, कांटेक्ट नंबर रख सकता है, जिससे कि वो कांटेक्ट नंबर के हिसाब से बच्चों के पेरेंट को फोन करके, जरा आपका इतना फी बैलेंस है, जरा फी पे कर दीजिए करके आप फोन करके बता सकते हैं बराबर।
कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं, बराबर है यहाँ पर? राइट राइट, ओके थैंक यू। एंड दूसरा, और यहाँ पर प्रिंट क्लास वाइज स्ट्रेंथ, क्लास वाइज स्ट्रेंथ बोले तो किस तरह से, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, एक कहाँ पर रखा मैंने, यहाँ पर है देखिए, ये एडमिशन फॉर्म के साइड में ही रहेगा आपको। क्लास वाइज स्ट्रेंथ बोले तो अगर ये यहाँ पर क्यों रखा है बोले तो, अगर आप 5th क्लास में एडमिशन ले रहे, समझो ए सेक्शन में 60 कैपेसिटी है बराबर, और 60 कैपेसिटी फिल हो गया या नहीं करके देखना चाहोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए क्लास में 60 हुए या नहीं, उसके हिसाब से आप एडमिशन लेना है। वरना तो फिर वो बच्चे को बीस बीस बी बी सेक्शन में रख सकते हैं आप, या फिर कभी कभी सेक्शन बढ़ाना भी हो, इसके हिसाब से आप डिसीजन दे सकते हैं। साइड प्लस क्या है कि वो क्लास में फिलहाल पर्टिकुलर क्लास में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने ओसी है, कितने बीसी, एससी, एसटी कितने हैं, डे स्कॉलर कितने हैं, हॉस्टल फैसिलिटी वाले कितने हैं, ट्रांसफर फैसिलिटी वाले कितने हैं, ये पूरा समरी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये जो है ना, यहाँ से जस्ट एक बार क्लिक किया तो ये जो पूरा डिटेल आपको फ्रंट बैक में आपको प्रिंट आ जाएगा, ओके राइट। और ये क्या है कि यहाँ पर ये बटन पर क्लिक करने पर आज के तारीख में अभी कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, वो किसी भी रूप में कलेक्ट होने दो, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है ये भी आप यहाँ पर जस्ट इस बटन पर क्लिक करने पर आपको A5 साइज पेपर में लैंडस्केप में आपको प्रिंट आ जाएगा, ओके राइट। अभी क्या करेंगे, एक एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, आपको पता तो चल गया ना। और दूसरी बात, और एक चीज है, वो सिर्फ आप एडमिन को या फिर ओनर को देखने को मिलेगा, ये टोटल कमिटेड फीस कितना है, अभी तक के जो स्टूडेंट एडमिट हुए ना अपने स्कूल में, उनका टोटल कमिटेड फी कितना था, वो किस कैटेगरी में कितना है, ओके प्लस किस कैटेगरी में अभी तक कितना फी कलेक्ट हुआ है, और किस कैटेगरी में अभी तक कितना फी बैलेंस है, ये पूरा जो समरी है ना आपको ओनर को या एडमिन को दिखाई देगा, और ऑपरेटर को दिखाई नहीं देगा बराबर, जिससे अभी तक का पूरा बिजनेस कितना हुआ, ये आप इस विंडो के द्वारा देख पाओगे, और इसे आप A4 साइज पेपर में प्रिंट ले सकते हैं, ओके राइट राइट। एक एडमिशन ले लेंगे, 5th क्लास में लेंगे, ओके। और दूसरा क्या है कि फी क्या बोलते हैं, फी मास्टर में 5th क्लास तक, 6th क्लास ऑनवर्ड्स 10th क्लास तक हॉस्टल फैसिलिटी दी गई है, 5th क्लास को हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ओके राइट। नाम आके आकृति यम, आकृति कुमारी यम, ओके यम नारायणा, यम मनीषा, डेट ऑफ बर्थ 5th 10th 2014, May 8, 2013 रखते थे, ओके राइट। और जेंडर, अब ये देखो मैं यहाँ पर जानबूझकर मैं मेल फीमेल की जगह पर मेल रख देता हूँ, ओके गलत जानबूझकर गलती कर रहा हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है ना, वही गलती मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं, ओके ये हमारा गांव है, गांव बोले टाउन है फिलहाल, ओके। और डिस्ट्रिक्ट भी बनपर्ती तेलंगाना, ओके। अगर मॉल है तो मॉल रखिएगा, छोटे बच्चों को ज्यादातर है तो रखिएगा अदरवाइज। और दूसरा देखिएगा, ये पूरे फील्ड से ना कंपलसरी है, देखो सिलेक्ट ग्रुप फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया ना हमने, रेगुलर ग्रुप। और 5th क्लास तक आईआईटी नहीं है, आफ्टर ऑनवर्ड्स आईआईटी है बराबर, इनको ए सेक्शन में एडमिशन लेते। और दूसरा देखो, टाइप योर मोल वन, इफ नॉट अवेलेबल टाइप एन ए, एन ए टाइप कर देते हैं, ओके
और देखिए फिर से सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट रिलीजियन कंपल्सरी है पूरे का, कंपल्सरी नहीं है जो है कॉन्टेक्ट नंबर टू, बाकी सब कुछ कंपल्सरी है। हिंदू कैस्ट बीसी एंड यादव यादव गुल्ला जो कुछ पद स्वादी रखते थे। ओके राइट, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा खुद का डाल देता हूँ। ये कंपल्सरी नहीं है और वेंकटेश 417950@gmail.com और आधार नंबर। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना 10 डिजिट रिसीव किया था मैंने, फिलहाल निकाल दिया बराबर, ओनली 9 डिजिट टाइप किया तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और मोर देन 10 डिजिट टाइप किया तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। और इसी तरह से आधार नंबर भी 12 डिजिट का आधार नंबर रहता है ना, अगर 12 डिजिट से कम या 12 डिजिट से ज़्यादा अगर आपने टाइप किया तो एक्सेप्ट नहीं कर, फिलहाल वो निकाल दिया है मैंने जानबूझ कर निकाला, क्योंकि आधार नंबर अगर 12 डिजिट से ज़्यादा या कम डाला तो एक्सेप्ट नहीं करा ना, 12 डिजिट डालना पड़ता है। अगर इसमें मैंने डाल के वीडियो अपलोड किया समझो वीडियो, यूट्यूब वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे करेंगे ओके यहाँ, क्योंकि ये डिस्क्लोज हो जाएगा। राइट फिलहाल 1 2 3 1 2 3 ओके डाल दिया जो ओके। अभी 5th क्लास को हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए फिलहाल इनको कंपलसरी डे स्कॉलर ही सिलेक्ट करना होगा। डे स्कॉलर को चॉइस रहता और ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट करना या नहीं करना बराबर, फिलहाल ले लेते ट्रांसपोर्ट बराबर ओके। और दूसरा क्या फिलहाल नहीं लेते, नो करके बाय मिस्टेक मैंने R2 सिलेक्ट कर लिया कि मैंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने R2 भी सिलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ गया मैं समझो, तब जाके हाँ। और बाकी का सब आर यू कमिंग फ्रॉम अदर स्कूल, नो इफ कमिंग फ्रॉम अदर स्कूल देन यू हैव टू टाइप योर प्रीवियस स्कूल नेम एंड प्रीवियस स्कूल मार्क्स मेमो, यू हैव टू सबमिट प्रीवियस स्कूल मार्क्स मेमो, प्रीवियस स्कूल TC ऑल्सो ओके। हैव यू सबमिटेड अदर अदर जीरोक्स, यस। हैव यू सबमिटेड पासपोर्ट साइज फोटोज, यस। Have you submitted cash certificate? No, not required at all. Okay, right. अभी क्या है कि मैंने डे स्कॉलर सेलेक्ट किया है, डे स्कॉलर का फीस आ गया ना, और प्लस मैंने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट नो रखा है और क्या बोलते हैं बस रूट R2 रखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया देखो, और आगे बढ़ो देखो क्या होता है देखो। You have selected transport not required, so bus route are not allowed. Select NR from drop-down list. Error बता रहा है ना आपको, तो यहाँ पर आपको NR select करना होगा ओके ओके। फिलहाल आपको क्या करना होगा, दूसरा जो पासपोर्ट साइज का फोटो लिया है ना उसको स्कैन करके यहाँ पर एक फोल्डर है देखो, उस फोल्डर में जाकर आपको यहाँ पर रखना होगा स्टूडेंट फोटोज करके यहाँ पर रखना होगा बराबर। अब जैसे ये एक फोटो मैंने यहाँ पर रखा है, तब जाके उसका नेम है ना, वो फोटो का नेम आपको चेंज करना होगा। फोटो का नेम कौन से किस किस तरह से चेंज करना होगा, किस हिसाब से चेंज करना होगा, इसका जो इनका जो एडमिशन नंबर है ना, एडमिशन नंबर इस यह एडमिशन नंबर वहाँ पर डालना होगा। TBHS-3 ओके okay? इसी तरह से फोटो का नेम चेंज करना है, प्लस ये जो फोटो है ना JPG एक्सटेंशन सेंटर में रहना है, JPEG नहीं JPG, JPG, JPEG नहीं ओके okay? राइट और PNG भी नहीं, हो गया ना। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखिए कमिटेड टोटल फीस इंक्लूडिंग अदर मिसेलेनियस फीस 14,500, अदर मिसेलेनियस बोले तो हॉस्टल फीस दो भी फीस वगैरह रहते हैं ना वो। अगर इस बच्चे को मैंने ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट कर लिया देखो, यस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए और R2 सिलेक्ट कर लिया या फिर R3 सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो R3 के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का जो ईयरली फीस रहता है ना बस का फीस, वो यहाँ पर आ गया देखो। और आप जाके टोटल फीस कितना हुआ 24,500 ओके 24,500
पे द फीस एट फीस काउंटर. द अबाउट डिटेल्स ऑफ माई वार्ड इज करेक्ट एज पर माई नॉलेज एंड आई एम अबाउट टू कमिटेड फीस एज ऑन टूडे. ओके, और इसको आप सेव कर दीजिए और प्रिंट दीजिए. ये प्रिंट आपको ए फोर साइज पेपर में पोर्ट्रेट में आएगा, बराबर. और दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक साइड में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 5th क्लास में अब तक कितने बच्चे हैं. कभी कभी हम एडमिशन लेने के वक्त, मैंने आपको इससे इससे पहले बताया था ना, ये समरी एडमिशन लेने के वक्त इस सेक्शन में, इस क्लास में अभी तक कितने बच्चे हैं, इसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना होगा ना. अगर यहाँ पर इस सेक्शन में जैसे इस सेक्शन में 60 से ज़्यादा बच्चे हो गए, समझो क्राउड ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए क्या है कि उनको नेक्स्ट सेक्शन में एडमिशन लेना होगा, देना होगा, लेना होगा, राइट. ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ. देखो आपको प्रिंट आएगा और पीडीएफ भी सेव हो जाएगा. ये जो एडमिशन फॉर्म है ना, उसका पीडीएफ भी सेव हो जाएगा, डेटा भी सेव हो जाएगा. अब पीडीएफ कहाँ पर सेव हुआ आपको बता रहा हूँ. देखिए एडमिशन फॉर्म पीडीएफ यहाँ पर देखो, आकृति कुमारी एम, पीडीएफ भी ऑटोमेटिक इस फोल्डर में आके गिर जाएगा. देखिए है ना सुपर. राइट, समझ गए ना. देखो बच्चे का फोटो भी आ गया, देखो पीडीएफ से भी फोटो आ रहा है ना, आ गया है ना फोटो. पीडीएफ से भी आप फोटो एक्सेस कर सकते हैं. देखो यहाँ पर क्लिक करने पर फोटो एक्सेस हो गया है ना, राइट. अभी मैंने इससे पहले क्या कहा था, मैंने बच्चे का मैंने क्या किया था, जो जेंडर है ना, जेंडर गलत डाला था. अब उस जेंडर को हम कैसे सुधारेंगे, चाहिए ना सुधारना तो है ना. एडिट स्टूडेंट डेटा, ओके रिफ्रेश कीजिए, अगर यहाँ पर कुछ है तो रिफ्रेश कीजिए. अब यहाँ पर आकर आपको वो एडमिशन नंबर टाइप करना होगा, जस्ट 3 विदाउट एनी प्रीफिक्स. ओके, यहाँ पर आ गया है ना. अब हमने यहाँ पर क्या किया था, देखो जेंडर मेल डाला था, लेकिन गर्ल है ना, लड़की है ना, फीमेल आना चाहिए ना. तो यहाँ पर जस्ट ट्रांसफर डेटा टू एडिट, इस पर क्लिक कीजिए. और दूसरा क्या है कि एक बात बताना भूल गया, जस्ट इसको रिफ्रेश कर देता हूँ. उससे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, एडमिशन डेटा, एडमिशन फॉर्म के बाद बगल में आपको एडमिशन डेटा मिलेगा. यहाँ पर आपको बच्चे का एडमिशन फोटो रखना होगा. एक मिनट, जस्ट बच्चे का फोटो रखना होगा यहाँ पर आपको. राइट, यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, एक मिनट जस्ट. राइट, यहाँ पर और कहीं पर भी आप क्लिक किया तो नहीं ओपन होगा, बराबर. कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट यहाँ पर बच्चे का फोटो आपको रखना होगा. दिस डिवाइस, और बच्चे का फोटो कहाँ पर है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फोल्डर में फोटो यहाँ पर है, इसे आपको जूम इन करना होगा और इसी बॉक्स में अच्छी तरह से सेट हो जाए, इस तरह से करना होगा, बराबर. राइट, उसके बाद कंट्रोल एस टाइप कर दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, से हो जाएगा. राइट, अभी स्टूडेंट एडिट पर आइए. अब इस बच्चे का जेंडर सेट करना है. देखो यहाँ पर बच्चे का फोटो भी अब यहाँ पर आ गया, देखो इससे पहले फोटो नहीं आया था ना. अब ट्रांसफर डेटा टू एडिट. ओके,
अब यहाँ पर हमें फीमेल सेलेक्ट करना है। अगर रोज और कुछ डेटा चेंज करना चाहते तो कर सकते बराबर। और अपडेट मेंशन स्टेटस एज ऑन टुडे इन स्कूल, यस ओके। अब देखो यहाँ पर फीमेल आ गए ना। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं राइट। अब इस बच्ची का फी रिसिप्ट कट करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ है तो रिफ्रेश कर दीजिए। बच्ची का एडमिशन नंबर 3, सॉरी 1 मिनट। यहाँ पर 3 नंबर डालने पर बच्चे का नाम और फादर का नाम आ गया यहाँ पर, और उनका जो कमिटेड फी था 14,500 प्लस ट्रांसपोर्ट का 10,000 और टोटल 24,000। अभी इस बच्चे के लिए उनके पेरेंट कितने फी पे करते हो देखिएगा। 9,000 पे करें बराबर, और इसके लिए 5,000 पे करें ट्रांसपोर्ट के लिए, बाकी का 10,500 बाद में पे करेंगे करके बोल रहे बराबर। और ये जो अमाउंट उन्होंने किस रूप में पे किया है, फोन पे या जी पे या पेटीएम या बैंकिंग द्वारा, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं बराबर। जैसे अभी फोन पे के द्वारा उन्होंने पे किया समझो बराबर। और दूसरे यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, इससे प्रीवियस रिसिप्ट है क्या इनका, कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम वो पे कर रहे हैं बराबर राइट। अब सेव ऑन प्रिंट, ए फाइव साइज पेपर में लैंडस्केप में प्रिंट आएगा बराबर। और प्लस ये जो रिसिप्ट है ना वो भी सेव हो जाएगा। अब रिसिप्ट नंबर क्या है, 12 ओके। सेव एंड प्रिंट, रिसिप्ट का भी पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। फिर रिसिप्ट शेड्यूल सक्सेसफुली है, पीडीएफ देखना चाहोगे देखिएगा रिसिप्ट पीडीएफ 12 नंबर का आ गया ना यहाँ पर पीडीएफ। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसी बच्चे का एडमिशन नंबर डालेंगे। देखो अभी कितना फी पे, 1400 1400 1400 रुपये पे किया था ना हमने इस रिसिप्ट के पहले, और अभी कितना बैलेंस है। और यहाँ पर साइड में देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने जो 14,000 पे किए थे ना, 14,500 14,000 रुपये, वो किस रिसिप्ट के माध्यम से उन्होंने पे किया था और किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी फीस के लिए उन्होंने पे किया था, यहाँ पर पूरा आ जाता है बराबर। ये भी आप पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, ये भी आप पेरेंट्स को प्रिंट भी दे सकते हैं अगर चाहिए तो। कभी कभी पेरेंट्स क्या है कि झगड़ा करते या फिर बार्गेनिंग करते या फिर कुछ आर्ग्यू करते हैं ना, हमने इतना पे किया था लेकिन आपने इतना ही यही बता रहे, हमारे पास क्या बोलते हैं फी का रिसिप्ट घूम गया है, अभी हमको फिर से एक बार दीजिएगा। या फिर कभी आईटी के लिए भी वो लोग आते हैं ना, आईटी के लिए, तब जाके क्या है कि आपको यहाँ पर आपका स्कूल का एड्रेस पूरा यहाँ पर लगाकर, हमारे द्वारा लगाकर पूरा ये आप आईटी के लिए भी सबमिट करवा सकते हैं बराबर राइट। समझ गए ना राइट। अब क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और एडमिशन रिपोर्ट पे जाएंगे। क्लास 5th क्लास में अब तक कितने बच्चे एडमिट हुए, अगर वो देखना चाहो तो देख सकते हैं। जस्ट रिपोर्ट 1 पर क्लिक कीजिए बराबर, यहाँ पर आ गया ना। और दूसरा मैंने कहा था ना, ये जो एडमिशन फॉर्म में अगर मैं फिर से 5th क्लास से सिलेक्ट करता हूँ, प्लस ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ, प्लस ए सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखो आ गया ना। अभी तक ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे कौन फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं, इसके हिसाब से आप एडमिशन भी ले सकते हैं बराबर। जैसे 60 के ऊपर हो गए समझो, नेक्स्ट सेक्शन में आपको एडमिशन लेना होगा राइट। समझ गए ना राइट। और एडमिशन रिपोर्ट देखा ना, यहाँ एडमिशन फ्रॉम डेट टू टू डेट रिपोर्ट टू पर क्लिक कीजिए। फ्रॉम डेट से टू डेट के बीच में कितने एडमिशन हुए, कितने बच्चे अपने स्कूल में एडमिशन लिया है, ये देख सकते। और ये रिपोर्ट आपको बहुत लंबा रिपोर्ट रहता है, इसको ज़्यादा मैक्सिमम में ए लीगल पेपर में सेट कर सकता हूँ, लेकिन जरा आपको कैरेक्टर छोटे दिखेंगे
बहुत पूरे पूरे फील्ड है जहाँ जो एडमिशन फॉर्म में जितने फील्ड है ना, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पूरा रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगा, पूरे के पूरे फील्ड यहाँ पर दिखाई देगी। और दूसरा रिपोर्ट क्या है, क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट। क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट में आपको लिमिटेड फील्ड दिखाई देंगे, उनका आधार नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसमें मेल कितने फीमेल कितने, जैसे इससे पहले बताया था ना आपको उस तरह से। फिर से एक बार बताता हूँ, फिफ्थ क्लास सिलेक्ट ग्रुप, ग्रुप आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पर आ गया ना, अगर 60 बच्चे 60 बच्चे समझो, या 50 बच्चे समझो, 50 बच्चे मेल कितने फीमेल कितने, उस बच्चों ने डे स्कॉलर कितने हैं, हॉस्टल फैसिलिटी कितने कितने लोगों ने अवेल की, और ट्रांसफर फैसिलिटी कितने लोगों ने अवेल की, पूरा यहाँ पर समरी आपको ऊपर दिखाई देगा। और अब फिर रिपोर्ट में जाएंगे। अब TBHS 3 से 3 ने अब तक इस एडमिशन के नंबर वालों ने अब तक कितना फीस पे किया है, कितना फी बैलेंस है, वो भी पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। कितना फी पे किया हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इस रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट 2 में इसको रिफ्रेश करके आगे बढ़िएगा, रिपोर्ट 2 में आपको कितना बैलेंस है, कितना कमिटेड है, और कितना बैलेंस है, कितना पे किया, कितना बैलेंस है, यहाँ पर पूरा दिखाई देगा, पूरा समरी दिखाई देगा यहाँ पर। जैसे अभी TBHS-3 देखो, और दूसरा ये रेड कलर में क्यों आया बोले तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट पेंडिंग है, बराबर। अब एक काम करते हैं, एक TBHS-1 का पूरा फी क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पर आकर TBHS-1, दिनेश के का पूरा जो फी है ना क्लियर कर देते हैं, तब जाके वहां पर क्या दिखाई देगा देखेंगे। 5000, 4000, क्लियर कर देते हैं, कैश में पे किया समझो उन्होंने। इससे पहले उन्होंने रिसिप्ट नंबर 10 और 11 से पे किया था, और अभी रिसिप्ट नंबर 13 के द्वारा पे कर रहे हो। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर सेव कर देंगे, बराबर। फिर रिसिप्ट शेड्यूल सक्सेस पे जाएगा, इसका पीडीएफ भी जनरेट हो गया। देखो यहाँ पर रिसिप्ट नंबर 13, राइट। और दूसरा फिर से 1 डाल दिया समझो, यहाँ पर 0-0 आ गया। और अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो भी नहीं बढ़ सकते, नो ड्यूज फॉर दिस स्टूडेंट। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, फी रिसिप्ट रिपोर्ट 2 में, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करो, 1 नंबर के स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा और ग्रीन कलर में आ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना ग्रीन कलर, बोलते हैं इनका टोटल फी क्लियर हो गया है, बराबर, कुछ भी बैलेंस बचा नहीं है इनका। समझ गए ना, और क्लास वाइज पेंडिंग मैंने आपको बताया था ना, ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रन अवर बिजनेस, टू रन योर बिजनेस, सॉरी योर बिजनेस। यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व दिस रिपोर्ट एंड फॉलो अप दिस रिपोर्ट थ्रू योर क्लरिकल स्टाफ। एंड लाइक 5th क्लास ए सेक्शन में कितने बच्चों का पेंडिंग है, देखो ये पेंडिंग है, बराबर। तो ये आपको क्या करना होगा, ए4 साइज में प्रिंट देकर आपके क्लरिकल स्टाफ को
उनके बच्चों के पेरेंट्स से फॉलोअप करवाना पड़ेगा। इतना पे इतना बैलेंस बचा हुआ है, आप पे कर दीजिए प्लीज करके फॉलोअप करना होगा आपको, बराबर। ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर, राइट। और दूसरा क्लास वाइज पेंडिंग हो गया ना, आईडी कार्ड भी हो गया, जिससे अभी आईडी कार्ड 3 नंबर डाला, समझे, मैंने देखो यहाँ पर आ गया, फोटो भी आ गया, आकृति कुमारी एम, ओके ना, यहाँ पर पूरा डिटेल आ गया। देखो वो डे स्कॉलर है या फिर हॉस्टल है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। और दूसरा मैंने कहा था ना, ये जो एडमिशन फॉर्म के बाजू में ही आपको पूरा एक समरी मिलेगा, ये समरी अगर आपको प्रिंट चाहिए तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर बटन नहीं दिया, बटन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अभी फिलहाल कितना कलेक्शन हुआ है ये भी यहाँ पर जस्ट प्रिंट देकर आप ले सकते हैं, क्लिक करके ले सकते हैं। समझ गए, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको फुल सिक्योरिटी के साथ मिलेगा। और आप 5,000 स्टूडेंट का डेटा भी इस सॉफ्टवेयर में रखा समझो, फिर भी आपका जो साइज है ना, फाइल का साइज 1 GB से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ओके, 1 GB से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अभी देखो यहाँ पर 16 GB, 16 KMB आ रहा है ना, मैं अगर यहाँ पर क्लिक मी फर्स्ट पर क्लिक करा समझो, पूरा जो रिपोर्ट है पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होके से हो जाएगा। और आपका जो फाइल साइज कितना बन जाएगा, 10 MB तक का बन जाएगा, देखो 10 MB तक का बन जाएगा, बराबर। और आपका जो सिस्टम का प्रोसेसर अच्छा रहा समझो, फास्ट प्रोसेसर रहा समझो, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। इवन 10 GB का जो फाइल बन जाएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको, ओके ना, समझ गए ना। और इसके अलावा मैं रेडीमेड गारमेंट शॉप, कंप्यूटर सर्विसिंग सेंटर, क्या बोलते हैं, सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूँ। मेरे मेरा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मेरा वेबसाइट दिखाई देगा और YouTube दिखाई देगा, यहाँ पर YouTube है। इस YouTube में आपको मेरे प्रोडक्ट के पूरे जो YouTube वीडियोस दिखाई देंगे, प्लस ये मेरा वेबसाइट है, हाँ सॉरी, ये वेबसाइट है मेरा। इस वेबसाइट में आपको मैं इस सॉफ्टवेयर ऑफलाइन में एमएस एक्सेल में क्यों बना रहा हूँ ये आपको पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम में एमएस एक्सेल रहता है। एमएस एक्सेल बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर रहता है, बढ़िया फैसिलिटी है, इसमें आप हर तरह का काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और एमएस एक्सेल हर किसी को आता है यहाँ आजकल के ज़माने में, ओके। और दूसरा मेरी सर्विसेज क्या क्या है आपको यहाँ पर पता चलेगा, रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर, रेडीमेड गारमेंट, कंप्यूटर मोबाइल सर्विसिंग, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर कंसल्टेशन, टिफिन सेंटर, ओके, सभी कुछ। और यहाँ पर आपको डेमो भी दिखाई देगा, डेमो भी रखे हुए, यूट्यूब के डेमो। और दीज आर माई कस्टमर्स एट प्रेजेंट इन वनपर्ति, दीज आर दिस मेनी कस्टमर्स आर देयर इन कलवकुर्ती तेलंगाना, दिस मेनी रेस्टोरेंट कस्टमर्स आर देयर एंड इन नारायणपेट 2 रेस्टोरेंट, नेल्लोर 1 चिकन शॉप, बाबूनगर स्कूप्स आइसक्रीम डीलर एंड बापटला लार्ज सॉफ्टवेयर, ओके, लाइकवाइज दिस इज माई कॉन्टेक्ट डिटेल, आई एम फ्रॉम वनपर्ति तेलंगाना एंड यू कैन रीच थ्रू गूगल मैप। यू मे ड्रॉप गूगल फॉर्म टू मी विथ योर इंक्वायरी, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस डेमो वेरी मच। इफ यू वॉन्ट दिस सॉफ्टवेयर एट फॉर योर बिजनेस, यू मे कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर और
through this website or through this Google form. Okay, thank you very much.